जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि टोटल 3571 प्लस वैकेंसी यहां पे निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आखिर ये भर्ती किस तरीके से निकाली जाती है, कैसे सिलेक्शन होता है, रियलिटी क्या है, हर एक चीज आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज आप वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। 8 से 10 मिनट की जो भी वीडियो रहे आप एक बार उसे कंप्लीट देख लेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर समझ में आ जाएगी। अगर आप आधी अधूरी देखेंगे तो उसमें आप ही के लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन को आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। मर्चेंट नेवी का ये नोटिफिकेशन और इस तरीके से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहला जो कैंडिडेट के दिमाग में डाउट आता है, बच्चा ये पूछना चाहता है कि ये जो जॉब होती है वो गवर्नमेंट होती है या प्राइवेट होती है। तो आप सभी को बता दें कि ये प्राइवेट लिमिटेड जॉब आपकी होती है। जैसे कि मान के चलिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, सेम इसी तरीके से आपकी ये जॉब होती है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। आप ऐसे समझिए कि समुद्री रास्ते से जो व्यापार होता है, और व्यापार किसके व्यापार करने के लिए जहाजों का प्रयोग होगा और जहाजों में एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, वही आपकी मर्चेंट नेवी है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो समुद्र के जरिए व्यापार हो रहा है उसमें किसी एक कंपनी को ही काम करती हो। दुनिया भर की हजारों कंपनियां हैं जिनमें आपको अलग अलग तरीके से जॉब मिलती है। अगर आप जैसे समझे कि प्राइवेट लिमिटेड कुछ कंपनी होती है, कुछ कंपनी आपकी लोअर क्लास होती है, कुछ अपर क्लास होती है, कुछ टॉप क्लास होती है, जैसे कि कुछ एमएनसी कंपनी होती है, कुछ लोकल लेवल पे काम कर रही होती है, तो इसी तरीके से वहां पे भी बहुत सारी अलग अलग कंपनी आपको देखने के लिए मिलती है जिनमें आपका प्लेसमेंट होता है। और प्लेसमेंट कैसे होता है, प्लेसमेंट होता है किसी भी संस्था के थ्रू, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू। आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है और इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें तो इसके लिए देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल 3571 आपकी सीट है। अगर हम इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो 20 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए। 30 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा, 3-4 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी होगी और कितनी आपकी एज होनी चाहिए और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो सभी वैकेंसी के लिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डैक रेटिंग बताया गया, 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 सैलरी, 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। इंजन रेटिंग के लिए 10th पास कैंडिडेट, 22,000 सैलरी, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। सीमैन के लिए 12th पास कैंडिडेट, 20,000 सैलरी, 18 से 25 एज। कुक के लिए 10th पास, 18,000 सैलरी, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। मैथ्स बॉय के लिए 10th पास और यहाँ पे 23,500 आपकी सैलरी, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th पास प्लस ITI और 30,000 सैलरी और 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज क्राइटेरिया रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी आपको सैलरी एक्सपेक्टेड मिल सकती है। ये सैलरी कोई फिक्स नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि आप कैसी कंपनी में प्लेस्ड होते हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट की डिटेल आपको दी गई है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स यानी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहेंगी। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब इसके अलावा देखिए सिलेक्शन के लिए मैं बात करूं तो आप ऐसे समझिए कि किसी भी एक एमएनसी कंपनी के द्वारा इंजीनियर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब अगर इंजीनियर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो इंजीनियर ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए सेलेक्ट हो जाऊं तो इसके लिए सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी होगी। अब इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे। आप मान के चलिए कि इसने क्वालिफिकेशन में रख दिया कि आपके पास बीटेक होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बीटेक की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि यहाँ पे बीटेक होना चाहिए। सेम इसी तरीके से क्या है कि जब आप मर्चेंट नेवी में अप्लाई करते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है 10th पास, 12th पास, इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल कोर्सेज आपके पास होने चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और तभी आपकी मर्चेंट नेवी में जॉब हो सकती है। इस चीज को आप क्लियर रखिए। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आपको बीटेक चाहिए किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, अब यहाँ पे क्या है, देखो बीटेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो IIT जा सकते हैं, अगर आप IIT नहीं जाते हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो किसी कॉलेज में जा सकते हैं, किसी बढ़िया कॉलेज में जा सकते हैं, अगर आप बढ़िया कॉलेज में नहीं जा सकते तो आप अपने गाँव के कॉलेज से भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं से भी करें होगी आपकी बीटेक और आप इन सभी के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि यहां से करने के बाद आपके पास बीटेक की डिग्री होगी और इसके पास क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, बीटेक।
तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का सिलेक्शन होना ना होना आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपने कितने अच्छे से किया, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़िया कितनी है, आपके इंटरव्यू कैसा जाता है, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। सेम इसी तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि इसके लिए पहले आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए मर्चेंट नेवी में क्या है कि आप चाहें तो कहीं से 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का, 40,000 का, जैसे कॉलेजेस जैसे इंस्टीट्यूट वैसे ही आपकी फी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहां से कोर्स कंप्लीट होते हैं और उसी के हिसाब से फिर आपको कोई कंपनी मिलती है, यानी कि जो आपकी शिपिंग कंपनीज होती है वो आपको रिक्रूट करती हैं, आपको हायर करती हैं। तो ये हो गया प्रोसेस, आप सभी को हर एक चीज क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो काम कैसे करता है। अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप सभी को ऑनलाइन करना होगा और यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। ये जो रिटन एग्जामिनेशन होता है जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, साइंस नॉलेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश नॉलेज के 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, इसी के बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं और आपका इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करेंगे, तो कौन सी जगह पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बताया गया कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि clandmaritime.in पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए आप अप्लाई तो कर देंगे, अप्लाई करने से पहले भी आप इसकी इंफॉर्मेशन को चेकआउट कर सकते हैं, इसके अलावा एडमिशन लेने से पहले भी सारी चीजों को वेरीफाई करें। जब भी हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं डेफिनेटली हम सारी चीजों को चेक करते हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सारी चीजों को चेक करें। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझसे मिले या किसी और से मिले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारी चीजों को कन्फर्म करें। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको बताया गया है कि रिटन एग्जामिनेशन में आपको बैठना पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके अलावा इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस ऑफ कैंडिडेट के बारे में दी गई है, सारी चीजें आप सभी को बता दी गई है और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप सभी को बताया गया है कि 100 रुपीज की आपको फीस पे करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे 100 रुपीज आपको एप्लीकेशन फीस देनी है जिससे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद जब रिटन एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको अपडेट कर दिया जाता है कि आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर गए, आप एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बता दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया डिस्क्लेमर आपको दिया गया है, यहाँ पे साथ ही में क्लियर भी कर दिया गया ये सर्टेन ऑफ ट्रेनिंग फीस इज आल्सो एप्लीकेबल आफ्टर क्लियरिंग ऑफ द रिटन टेस्ट। यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि जब आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ट्रेनिंग के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया था कि आपको एक कोर्स करना पड़ेगा मर्चेंट नेवी के लिए, क्योंकि देखो आप सी में जाके काम करने वाले हैं, समुद्र में काम करने वाले हैं, जहाज रहेगा समुद्र में, तो आपको वहां की क्या है, 0 नॉलेज है, उसके लिए पहले आपको ट्रेन होना पड़ेगा और जब आप ट्रेन हो जाएंगे इसके बाद ही आपको कोई भी कंपनी हायर कर सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले कोर्स करना पड़ेगा, आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं और मर्चेंट नेवी में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जब भी मैं आपको कोई भी चीज बताता हूं तो हमेशा कहता हूं अप्लाई करने से पहले आप एक बार रिसर्च करिए, सारी चीजों को सोचिए समझिए फिर अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो भी जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है जो आप रीड आउट कर सकते हैं और इसका लिंक मैं आप सभी को दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसे रीड आउट करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैं किसी भी बच्चे को मिसलीड या मिसगाइड नहीं करना चाहता हूं और सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर ट्रांसपेरेंट बताता हूं। अगर हम बात करें तो देखो ये इंफॉर्मेशन अब मुझसे मिल रही है किसी और से मिलेगी, लेकिन मैं आप सभी को सारी चीजें साफ साफ बता देता हूं जिससे कि आपको ये प्रोसेस समझ में आए। आपको कहीं से भी जाइए, कहीं से भी एडमिशन लीजिए, लेकिन आपको इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, साथ ही में फिर आपकी पॉकेट पे अलाउ करेगा, आपकी क्वालिटी के ऊपर, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, वो सारी चीजें मैटर करेंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।